ठीक है, तीन चीजें होगी और चौथी जो मेन चीज है जिसका मेरे को सबसे ज्यादा दुख हो रहा है वो फ्यूल पंप है ना हमारे, वो खराब हो गया भाई, 5,000 का नया डलवाना पड़ रहा है। हाय हेलो हेलो कर दो ना यहाँ से। हाय देखो कितना क्यूट है भाई। मैं रेड कलर का देखता हूँ जो KTM के साथ मैच करेगा, तो थोड़ा मैचिंग मैचिंग होना चाहिए, तो ये थोड़ा मेरे को अच्छा भी लग रहा है। जी 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 सर, डॉक्यूमेंट्स निकालूंगा, एम परिवहन से ही निकालूंगा ना। चलान कितना सर? अभी नई नई बाइक लाई थी भाई शोरूम से, तो यहीं पे छोड़नी पड़ रही है। चलो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत फिर से मॉर्निंग से करते हैं। जैसे कल वाले व्लॉग में आपने देखा था कि हमने अपनी वुल्फ की सर्विस नहीं करवाई थी, तो आज हम लेके चलते हैं अपनी वुल्फ को यहाँ से। आज फिर से मॉर्निंग में 8:30 बजे जागा हूँ मैं मनाली ट्रिप से पहले, तो ये चीजें सारी सही कर देनी है क्योंकि भाई वुल्फ की सर्विस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है 6-7 महीने से मैंने इसकी सर्विस भी नहीं करवाई। ओके तुम्हें एक चीज बताऊं, मॉर्निंग में सब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, देखो कितना ज्यादा रश होता है, ऊपर से हमारे कश्मीरी भाई भी आ चुके हैं। कश्मीरी भाई आते ना भाई जम्मू में बहुत रौनक हो जाती है भाई यहाँ पे। ओह भाई मेरे को लग रहा था मेरे पजामे से भी अंदर सर्दी जा रही है। मर गया भाई सर्दी से, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, हाथ ना टूटने वाले भाई मेरे। थोड़ा इनको वार्म अप करते हैं। लास्ट ब्लॉग डाला था उस ब्लॉग की मेरे को बहुत याद आ रही है, जिस दिन जानू भाई की ZX9R की डिलीवरी लेने गए थे, इतने सारे लोग मेरे साथ बात करने आए थे। मैं नेक्स्ट टाइम जब तुमसे मिलूंगा ना, तो मैं थोड़ा और अच्छे से बात कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं भाई इतने सारे एट ए टाइम जब लोग ऊपर आएंगे ना, डर सा लगता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा कि भाई ऐसे बात करें। और अभी मामू से सुबह मॉर्निंग में बात कर रहा था, तो मामू बोल रहे थे, मैंने कहा था कि मैं बाइक सेल कर रहा था KTM, लेकिन सेल कर नहीं पाया। वो कहते कि वुल्फ को भेज दो, वुल्फ बहुत पुरानी बाइक है। मैंने बोला नहीं, हम इसको कैसे भेजेंगे, हमारी ऑडियंस तो हमें मार देगी भाई। मामू को मैंने कहा इसको भेजने की गलती मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि ये कि जिंदा जानवर है, पता तुम्हें, इसकी आंखें भी है सामने से, ये देखो, तो मैं दिखाता हूं, खड़ा हो जाऊंगा भाई, दो आंखें इसकी, आईब्रोज हैं, तो इसको कैसे सेल करेंगे हम। तो यहां से इसको आज फुल पावर रेडी कर देते हैं, इसमें एक नई जान डाल देते हैं, साथ में सारे ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, जितने भी फ्यूल फिल्टर हैं, और साथ में जितने स्पार्क प्लग्स होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है, तीन के तीन चेंज करवाने वाले हैं। मोटा मोटा खर्चा समझो तुम 3500 रुपीज की इसकी फुल सर्विस हो जाएगी। ओके अभी सोच रहा हूँ ये एक्सीलेटर की वायर भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये स्मूथ नहीं चलती है, जब मैं इसको एक्सीलेटर देता हूँ ना हाथ में दर्द करती है भाई मुझे। हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने शोरूम में जो कि बजाज वाला शोरूम है भाई, तो यहाँ पे हमारे भैया मिल जाएंगे। ऐसे आपको पता भी यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां थी, डोमिनार थी, इतनी NS 200 थी, तो भैया ने बोला कि आज सर्विस नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे लिए स्पेशली इन्होंने सुरजीत भैया को बोला कि इसकी सर्विस आज ही करना, क्योंकि हमने मनाली ट्रिप के लिए निकलना है ना, तो थैंक यू सो मच। एंड इनके साथ ना मेरे को फैमिली वाला रिलेशन हो गया भाई, इतने टाइम से मैं यहाँ पे आया हूँ। गाइस अभी हम बजाज के शोरूम में अंदर आ चुके हैं, हियर इज सुरजीत भैया। तो इन्होंने बोला कि अभी ना जब तुम्हारी बाइक का काम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तब तक हम वेट करते हैं, ठीक है। Okay. इस बाइक तो मैंने छोड़ दी यहाँ शोरूम में, लेकिन मैं कंफ्यूज इस चीज से हूँ भाई, अभी मेरे को लेने कौन आएगा भाई यहाँ से। अभी सुबह के भाई 9:30-10 बज रहे हैं, तो भाई यहाँ देखो गाड़ियाँ शाड़ियाँ इतनी सारी है, लेकिन मैं मेटाडोर में तो नहीं जाऊँगा, अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा, तो मेरे को लेने आ जाएगा। ओके अली गाइज, मेरा फ्रेंड भी आ चुका है, तो अभी मैं सोच रहा था ना यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे हेलमेट मिल जाएगी, तो वो हेलमेट पहले परचेज करने चलते हैं। SMK का हेलमेट मिल जाएगा जनाब? यहाँ तो नॉर्मल हेलमेट रखे हैं इन्होंने, जो ऑर्डर में मंगवाते हैं। MT का हेलमेट लेंगे, वो लाइट वेट होते हैं, क्योंकि हमें ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप पे कोई अच्छा सा हेलमेट होना चाहिए, इसमें ना विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आती है। क्या सजेस्ट कर रहे हो गांधीनगर वाली साइड? सो फाइनली गाइज, हमारी बाइक का काम जो है शुरू हो चुका है, जैसे तुम देख पा रहे हो। अभी ये की इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से ना फ्यूल पंप की हेल्थ चेक करते हैं कि हेल्थ जो है फ्यूल पंप की सही है या नहीं है। देखो अभी इसमें से ऑयल निकाल रहे हैं भैया, ये ऑयल की हालत देखो भाई तुम, कितनी ज्यादा गंदी है भाई, हमने इतने टाइम इसकी सर्विस ही नहीं की थी, पूरा काला ऑयल हो गया भाई, ये देखो ये देखो। तो भैया ने अभी ना इंजन ऑयल डाल रहे हैं न्यू वाला, जो 2 बॉटल्स लिए हुए हैं, उसके बाद हमने एयर फिल्टर चेंज करा दिया, देख रहे हो जैसे भैया ने न्यू लगा दिया, और एक्सीलेटर की वायर थी ये भी न्यू लगा दी। ठीक है, तीन चीजें होगी, और चौथी जो मेन चीज है जिसका मेरे को सबसे ज्यादा दुख हो रहा है वो है ये फ्यूल पंप है ना हमारे, वो खराब हो गया भाई, 5,000 का नया डलवाना पड़ रहा है। तो भाई लोग अभी इसी चीज से कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वुल्फ में न्यू फ्यूल पंप डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्या करना है तुम कमेंट करके बताओ मुझे, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ भाई, 5,000 का न्यू फ्यूल पंप है, ये आउट ऑफ वारंटी हो गई हमारी बाइक, तो इसलिए हमारी बाइक खींच नहीं रही थी, वही मेन रीजन था। ठीक है, कंपनी में क्लच की वायर नहीं मिल रही थी, तो यहाँ से हमें आफ्टर मार्केट ना क्लच की वायर मिल जाएगी RS 200 की, 230 रुपीज की, ये तो सस्ती है। ठीक, क्या बोलते हो फिर, क्या करना चाहिए बाइक का यार, फ्यूल पंप डालना चाहिए? आप दे रहे हो 5,000 मुझे इस बार, हमने जिस बंदे ने निंजा 300 रखी है, तो वो 5,000 अगर फ्यूल पंप में दे दे तो कौन सी बड़ी बात है, ट्रिप से पहले अपने बड़े भाई को दे दिया गिफ्ट। हाँ, कुछ भी दे सकता, हाँ, गालियां दे सकता है, पैसे दे सकता है, इज्जत भी दे सकता है, प्यार है वहाँ सब, जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है। अतीक को गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई, बंदा देखो भाई रिलेशन में सारे, ये भी रिलेशन में, ये भी रिलेशन में भाई, दोनों रिलेशन में, मैं बेचारा कल्ला अकेला, अभी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है, मुंह पे स्माइल देखो कितनी है, जरा बता, जरा दिखा नंबर, दिखाता हूं ना, जरा नंबर दिखा, नंबर दिखाऊंगा, सिप लगा लगा के बातें कर रहा है, आए जानू।
जानो क्या कर रहे हो, चाय पी आपने? देखना इधर क्या लिखा आ रहा है, भाई था बी था, बी फॉर बेबी, बी फॉर भाई भी तो होता है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा कजिन आ रहा है, तो मेरे दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। वुल फैमिली तुम कमेंट करके बताना कि कौन सा कजिन आने वाला है, गेस करो भाई। ये वो कजिन है भाई जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हमेशा था भाई, जिस टाइम हमारी वुल्फ क्रैश हुई थी। तो चलो उसको लेके आते हैं अयान को। मेरी जो ऑडियंस कंटिन्यू मेरे को देखती है, उनको पता है कि भाई कौन सा भाई है। भाई लोगों के साथ ना थोड़ी सेल्फी वगैरह ले लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। वाह तुम्हारा फिल्टर देखो भाई। हम लद्दाख से, लद्दाख से भाई पक्का आऊंगा इस बार, मेरे को पक्का इरादा है वहाँ आने का। हाँ ले लो ले लो ले लो भाई, सब ले लो सेल्फी यार। ठीक है भाई, सो ये देखो भाई, पहचाना इसको कौन है, आज हेयर कट वगैरह करके। इस वुल्फ तो यही रहेगी अब, तो तुम हमें घर ड्रॉप कर रहे हो। हाँ सो जैसे कि आपने देखा था, हमने वुल्फ को ना अपने शोरूम में छोड़ दिया था क्योंकि भैया कहने लगे थे ना आज बाइक नहीं मिल पाएगी, तो कल ही मिल पाएगी। ओके तो अभी हम आईफोन 12 से शूट कर रहे हैं, जो कि निंजा वाले फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट कर दिया फाइनली। 12 है ना, उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके और जितना भी अपग्रेड तुम 13, 14 जितने भी आगे आएंगे, तो उनमें तो इतनी ज्यादा साउंड क्लियर होती जाती है। तुम्हें एक चीज दिखाने वाला हमारे घर पे, ये चेक करो भाई, एक निंजा लगी और साथ में हमारा ड्रीम लगा पीछे। तुम तीनों जा रहे हैं यहाँ से, तो चलते हैं पिट स्टॉप में यहाँ से, वहाँ पे देखते हैं अपने लिए कुछ अगर परचेज वगैरह भी करना होगा, क्योंकि मेरे को राइडिंग ग्लव्स भी चाहिए और सर्दी काफी ज्यादा है ना। ठीक है अपनी निंजा को निकालते हैं बाहर, साथ में केटीएम भी है, तो दोनों चलते हैं पिट स्टॉप पे। लेट्स सी दी पावर। ओ भाई केटीएम आगे भाग रहा है यार, कसम से यार, उसमें भी दो बंदे बैठे, इसमें भी दो बैठे। लेकिन थोड़ा मैं वाइजर ओपन करके शूट करता हूँ, मैंने ना ट्रांसपेरेंट वाइजर लाना भूल जाता हूँ। ये ब्लैक एंड व्हाइट वाइजर मैंने अभी लगाया हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, तभी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। भाई लोग अपने निंजा को भगाते हैं फुल पावर। ओ भाई भाई भागता क्या यार, कसम से आगे इतनी खतरनाक वाली फॉग पड़ी है ना, मेरे को दिख भी नहीं रहा है कुछ। ओ आराम से, ये केटीएम वाले को दौरा पड़ा है कुछ है। ओ इसको मैं लाइट दिखाता हूँ आगे यार, एक टक्कर मार देगा। ओ ओ देख, ओ देख कहाँ से निकल रहा है, ये आगे से गाड़ियां देख रहे हो। मेरा कजिन काम पर है पीछे, जा तू काम क्यों रहा है? आप भी देख रहे हो वो आज इसको हेलो करके आते हैं। यहाँ इसको मैं हाई करता हूँ, हाई करे हाय हेलो हेलो कर दो ना यहाँ से। हाय देखो कितना क्यूट है भाई। भाई क्या खाने के लिए पहले बताओ, तुम्हारी शक्ल देखे मेरा मन कर रहा है ना पहले अंदर घुसू मैं। तो यहाँ से कुछ खा के आते भाई पहले, फिर देखते क्या होता है। चलो मिकी माउस, मिकी माउस, मिकी माउस, कौन सा माउस? मिकी माउस बाइक लगा सकते है, तो चलो ठीक है फिर। हाय 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 मजा आ गया भाई। भाई मैं अभी शूट करने वाला था मिकी माउस के साथ, बंदा ही उठा के लेके चलेगा आपके साथ, नहीं इंसाफी होगी। मैं आपके साथ शूट करने वाला था, बंदा उठा के लेके गया इसको यार। आज यहाँ पे आज यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ लेंगे, फिर जाके तुम मेरा इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम का जो आईडी है ना दी वाइल्ड वुल्फ, तुम जाके सर्च कर देना इंस्टाग्राम पे भाई लोग, तो मेरी आईडी तुम्हें मिल जाएगी। तो फाइनली गाइज हमारी कॉफी भी आ चुकी है, तो भाई बोल रहा ना यहाँ पे कॉफी ठंडी हो जाएगी, पहले कॉफी पी लेते हैं। तो फाइनली गाइज एक कप हमने कॉफी भी पी, अभी मन कर रहा था कि कूलर चाय का पीने का। कूलर चाय, कुल्लड़ तो भाई मुझे नाम भी नहीं अच्छे से आ रहा था, भाई बोलता है ट्राई कर लो एटलीस्ट। तो ये वाला कप है छोटा सा, बंदा इतने टाइम से हिले जा रहा है कंटिन्यू, मुझे लगता है ना 2-3 दिन में इसको सिक्स पैक बनने वाला है। ऐसा ही लग रहा भाई, क्रंचेस कर रहा है, तब से हिले जा रहा है, जब से मैं यहाँ पे बैठे मेरे ख्याल में आधा घंटा हो गया इसको। सर कह रहे हैं कि अभी टूर दिखाएंगे हम अपने कैफे का, तो चलो दिखाओ हमें क्या क्या आपके कैफे में अंदर, लेट्स मूव। हम बाहर बैठे हुए थे ना, तो बाहर बहुत अच्छा लगता है, अंदर वाली साइड तो बहुत अच्छी बनाई है यहाँ पे। मतलब ये आइडिया किसका था सर, ये बताओ पहले। मेरी एक खुराफाती आइडिया मेरी होते है, ये आपके ही है। तो मतलब सिद्रा में ऐसी जगह मैंने पहली बार देखी और मेरे को बहुत प्यारी लगी, तो यहाँ पे मतलब कपल्स वगैरह तो इजीली आ सकते हैं ना। कोई बात नहीं, जब कोई रिस्पेक्ट से बात करता है तो बंदा बोलता क्यों ना हम आए यार। तो चलो अब दूसरी जगह भी देखते हैं बर्थडे के लिए, हमारे पास स्पेशल यहाँ पे पार्टी हॉल है, टेबल है तो ओके। तो यहाँ पे पार्टी हॉल भी है भाई, लेट्स मूव। देखते हैं भाई, ये देखो भाई ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर है, मेरे को यकीन नहीं आ रहा भाई सिदराई में आए हो कि कहीं और आ गए भाई हम। बहुत अच्छी जगह है देखो तुम, अगर तुम कपल वगैरह के साथ आना चाहते हो तो एक नंबर जगह है भाई। चलो ठीक है, नाइस टू मीट यू। मुझे लगता है एक मिनट में हम पिट स्टॉप पहुंच चुके हैं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई एक मिनट में हमने पिट स्टॉप पहुंचा दी भाई बाइक सिद्रा से। तो अभी यहाँ पे बाइक लगाते हैं, नंबर प्लेट का देखते हैं क्या लगेगी अभी या नहीं लगती है नंबर प्लेट। मैंने सोचा था ना हेलमेट अपने लिए परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी हेलमेट्स लगी है। एक्चुअली मुझे लाइट वेट हेलमेट लेनी है, मैं रेड कलर का देखता हूँ जो केटीएम के साथ मैच करेगा, तो थोड़ा मैचिंग होना चाहिए, तो ये थोड़ा मेरे को अच्छा भी लग रहा है, इसको पहन के देखते हैं केटीएम के साथ कैसी लगेगी। इसकी जो ग्राफिक है ये अच्छी है, लेकिन इसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। एमटी का मेन चीज है ना, इनके लाइट वेट हेलमेट होते हैं, कितना है 1400 ग्राम टोटल है, जो एसएमके के होते हैं ना भाई वो 1600 ग्राम है, तो बहुत ज्यादा वेट है, उसकी वजह से मेरी नेक में भी स्ट्रेन पड़ता है भाई। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अंदर वाली साइड से तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है।
तो ठीक है यार, ना बड़ी है ज्यादा, नहीं तो कुछ आती ना बड़ी ऐसी। तुम कमेंट करके बताओ दोनों हेलमेट्स में से कौन अच्छा लग रहा है वैसे ग्राफिक्स के हिसाब से। ग्राफिक के हिसाब से कौन अच्छा है? एमटी वाला। एमटी। हम अपनी बाइक के पास आ चुके हैं, यहाँ देखो केटीएम लगी हुई है, तो केटीएम के साथ रखते हैं। एक मिनट ये ग्राफिक चेक करो तुम। ओ मैच बोलो तो, ग्रे भी है, रेड भी है, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है। गाइस ये देख रहे हो तुम कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा लग रहा है। तुम कमेंट करके बताना, नहीं तो कल मैं ये ले लूंगा, दिखाता हूँ कैसा लगेगा। और मेन चीज पता क्या है, अंदर से कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है यार, क्योंकि एमटी का हेलमेट है। अब तुम देखना कमेंट करके बाइक दिखाओ जरा कैसी लगेगी। अब बताओ भाई तुम्हें ये हेलमेट अच्छी लग रही है इसके कॉम्बिनेशन के साथ? अच्छी लग रही है भाई, मुझे नहीं अच्छी लग रही। अब अपनी वुल फैमिली इनसे ही पूछते हैं अगर अच्छी लगेगी भाई। द नेक्स्ट डे कहाँ पे गया? सर सर्विस कराने गए थे बाइक की। सर कहाँ पे चलेगा, डर गया होगा, ऐसे छोटा है ना अभी, मेरा कजिन है। रेड है, रेड है कलर। चलान कितना सर? मुझे नहीं पता, वो जज ही करेगा ये, इसका मुझे पता नहीं, मैंने पहली बार ही किया। इन्होंने ना कलर चेंज पे लगा दिया, तो अभी मान नहीं रहे थे सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी सकते हैं, बोले आपने कलर चेंज कर दिया। वैसे पूरे जम्मू में सारों की बाइक्स कलर चेंज है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम फंस गए तो क्या कर सकते हैं। आप वहाँ पे अलग कोर्ट का पैसे देने पड़ेंगे। चल छोड़ यार, अभी अभी नई नई बाइक लाई थी भाई शोरूम से, तो यहीं पर छोड़नी पड़ रही है। चलो अब क्या कर सकते हैं।